बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार, ये तीनों ऐसी प्रॉब्लम है जो हर फेज में पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन्स को दे देते हैं बच्चों को। एलोपैथिक मेडिसिन्स लॉन्ग रन में बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। एट द सेम टाइम पुराने जमाने में इतने सारे डॉक्टर्स और इतनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे सर्दी, जुकाम और बुखार भगाने के लिए। तो आइए सुनते हैं मेरी नानी से ये पुराने जमाने का नुस्खा जो आज के डेट में भी रामबाण बन के साबित होगा। वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। नमस्कार। अभी जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो 15-20 दिन बाद उनको कई बार ठंडा लग जाता है, तो ठंडा लगने के कारण बहुत सारे होते हैं। कभी बाहर के वातावरण की वजह से भी ठंडा लग सकता है, तो कभी हमारे घर के ही पर्यावरण से ठंडा लग सकता है। जैसे कभी नहलाते वक्त कभी पानी गर्म हो गया ज्यादा, कभी ठंडा हो गया, जल्दबाजी में हो जाता है सबसे, तो उससे हो सकता है। इसके अलावा माँ के दूध से भी ठंडा लग सकता है, क्योंकि अगर माँ ने कुछ ठंडा पदार्थ खाया है तो उससे बच्चे को ठंडा पकड़ सकता है। तो ठंडा लगने के ऐसे जनरल ये सारे रीजंस होते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए अभी हम बताएंगे। इसके लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए होगा, उसमें तुलसी के पत्ते और एक रूटा ग्रेविलेंस करके एक पौधा आता है, उसका पत्ता आपको इस्तेमाल करना होगा। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इन सबको अच्छे से धो के, और आपको पान का पत्ता लेना है, उसमें तुलसी का पत्ता और रूटा का पत्ता दोनों उसमें डाल के आपको जो है उसको बांधना पड़ेगा। पान के पत्ते के अंदर रख के उसको बांधना होगा। बांधने के बाद उसको जो है आपको तवे पे उसको हल्का सा चलाना है, अच्छे से चलाना है थोड़ी देर के लिए। जब जब उसको ठंडा हो जाएगा तब उसको लेके हाथ में अच्छे से उसको मसलिए। पान का पत्ता और तुलसी का पत्ता मसलने से उससे आपको रस निकलेगा उसमें से, और उस रस को एक निकाल लीजिए कटोरी में, और उसको कटोरी में निकालने से 1-1.5 चम्मच हो जाता है। उसमें आप थोड़ा सा ये शहद लगा के उसमें चटा सकते हैं बच्चे को, जो बच्चे पी सकते हैं उनको चम्मच से पिला सकते हैं। और ये जो है कम से कम आपको 2 दिन तक करना होगा। ठंडा निकलने का तरीका है कि जब बच्चा पॉटी जाता है तो ग्रीन कलर का पॉटी जाएगा, उसमें वो सारा ठंड निकल जाएगा, मोशन में निकल जाता है सब। और आपको ये जो बचेगा उसको माथे पे आप रगड़ सकते हैं, फिर आप छाती पे जो है वो जो पत्ते हैं उसको रगड़ सकते हैं, इससे भी जो है ठंड कम हो जाता है। तो इसको अच्छे से मसल के ही करना है, और पान का पत्ता ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप टोपी पहनाते हैं तो सर पे रख के उसको बांध सकते हैं। और इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये आपका लिए काम किया है या नहीं। इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे इसका होता है। जो मैं अभी आप चलती हूँ तो आप कोशिश करिए करने का। टाटा बाय। नमस्कार। तो आपने देखा कि 3 सिंपल इंग्रेडिएंट से कैसे पहले के जमाने में बच्चों की सर्दी जुकाम से डील किया जाता था। तो आपको भी उसका पता चल गया है, तो आप भी अब अपने बच्चों की सर्दी जुकाम और बुखार की ये दवाई दे सकते हैं। क्योंकि अभी ऐसे भी कोविड का टाइम है, कोरोना हर जगह पे बढ़ रहा है, तो घर के नुस्खे से ही अगर आप अपने बच्चों का इलाज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल जाना और डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की चीजें जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी।